सेबर टूथ टाइगर जीनस मेलोडोन से कृपाण दांतेदार बिल्लियों की सबसे व्यापक रूप से ज्ञात प्रजातियों में से एक है। इस विलुप्त बिल्ली का नाम इसके ऊपरी जबड़े में लंबे दांतों की जोड़ी के लिए रखा गया था। सेबर टूथ टाइगर प्लीस्टोसिन युग के दौरान पूरे उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पाया गया था। यह लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हो गया था। इसके नाम के विपरीत ये बिल्लियां एशिया में पाए जाने वाले आधुनिक बाघों से संबंधित नहीं है। वास्तव में सेबर टूथ टाइगर को इसका नाम उसके बड़े कैनाइन दांतों से मिला है, जो लंबाई में 7 इंच से अधिक बढ़ सकते हैं। इसके दांत संकरे, घुमावदार और बेहद नुकीले किनारे थे, जो इसे नरम ऊतक के माध्यम से काटने में सक्षम बनाते थे। हालांकि वे काफी नाजुक थे और अगर वे मांस के बजाय हड्डी से टकराते तो टूट सकते थे। वैज्ञानिकों ने कई कृपाण दांतों वाले बाघ के कंकाल और जीवाश्म खोजे हैं। इससे हम जानते हैं कि कृपाण दांत वाले बाघ बड़ी बिल्लियां थी जिनके छोटे छोटे अंग थे। वैज्ञानिकों का मानना कि ये बिल्लियां आकार और रंग दोनों में एक आधुनिक अफ्रीकी शेर पैथेरा लियो के समान रही होंगी, हालांकि यह शेरों से भी संबंधित नहीं है। वे प्रमुख शिकारी थे, जो हिरन और बाइसन जैसे बड़े शाकाहारी जीवों का शिकार करते थे। यह भी सोचा जाता है कि उन्होंने कभी कभार छोटे ऊनी मैमथ को खा लिया होगा। बड़ी बिल्लियों के वसंत में प्रजनन होने की संभावना होती है, जिसमें मादा अधिकतम 3 शावकों को जन्म देती है। कृपाण दांत वाले बाघ शावकों के बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना कि वे अन्य बिल्लियों की तरह अंडे पैदा हुए थे। उनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था। ऐसा माना जाता है कि उन्हें मनुष्यों द्वारा विलुप्त होने के लिए शिकार किया गया था। सेबर टूथ टाइगर सबसे प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक जानवरों में से एक है। सेबर टूथ टाइगर के पास कई अनुकूलन थे, जो इसे ऐसे बड़े दांत रखने में सक्षम थे। बिल्लियों के पास एक विस्तृत गैप था, जिसने इसे अपना मुंह 120 डिग्री तक खोलने में सक्षम बनाया। यह आज के शेरों की 2 गुनी है, जो अपने मुंह को 60 डिग्री तक खोल सकते हैं। बिल्लियों को अपने दांतों का पूर्ण उपयोग करने की अनुमति देने के लिए यह चौड़ा गैप आवश्यक था, जो लंबाई में 28 सेमी तक हो सकता है। आधुनिक बिल्लियों के विपरीत, जैसे शेर और चीता, सेबर टूथ टाइगर्स के पास एक बोबी टेल था। जब वे अपने शिकार का पीछा कर रहे हों तो स्थिरता और संतुलन प्रदान करने के लिए बड़ी बिल्लियों द्वारा एक लंबी पूंछ का उपयोग किया जाता है। आधुनिक बिल्लियों के विपरीत सामाजिक व्यवहार, जैसे बाघ और घर की बिल्लियों जो अकेले शिकारी हैं, सेबर दांत बाघ एक सामाजिक जानवर थे। ऐसा माना जाता है कि वे पैक में रहते थे और शेरों के रूप में एक सामाजिक संरचना बहुत अधिक थी। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।